हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हम बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं कैमरा फेस कर रही हूँ और बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे और जो भी आए वो इतने कुछ ऐसे खास नहीं थे। अभी मैंने रिसेंटली जो फोटोग्राफ्स डाले थे ना, जो पिछला ब्लॉग था मेरा, वो था कश्मीर से रिलेटेड ब्लॉग था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ अच्छे कमेंट्स करे, कुछ बुरे कमेंट्स करे। तो खैर, बुरे कमेंट्स की मैं बात नहीं करूँगी। जो अच्छे कमेंट्स हैं ना, वो एक साल पुराने फ़ोटोज़ में भी कितने खुश थे ना, जिनका नाम है सरताज बेगम जी, जो कि वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने अच्छी अच्छी दुआएँ दी, हुदा हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी दुआएँ दी। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सराहा उसको। तो थैंक यू सो मच। और अपडेट मैं ये आपको दे दूं कि मेरा जो ज़ख़म है वो सूख रहा है पैर का, तो इतनी मैं एबल हो गई, मतलब इतना हो चुका है कि मैं खड़े हो सकती हूँ। और अभी पूरा पैर तो मैं ज़मीन पे नहीं रख पा रही हूँ। हाँ, लेकिन कल मैंने कुकिंग करी थी अपने घर में, बहुत टाइम बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी। अभी तक का जो खाना था वो मेरे मम्मी के यहाँ से आ रहा था। आप लोग हमेशा कहते हो ना, मम्मी के यहाँ जाते रहते हो, मम्मी के यहाँ देते रहते हो। जी नहीं, जब मुझे वक्त पड़ता है तो मम्मी के यहाँ ही मेरा गुजर बसर होता है। एक नज़र कूड़े वाला आके मैं कूड़ा दे दूँगी। तो गाइज, बस अभी मेरा जो है ना पराठा जो है वो सिक रहा है। मैं आज अपने लिए नाश्ते में चाय और पराठा ले रही हूँ और पानी यहाँ पर रखा है। पानी मैं बहुत पीती हूँ और अभी मैं सुबह का नहीं, आफ्टरनून का टाइम हो गया, 12:30 बज रहे हैं और मेरा नाश्ता हो रहा है। ऐसे जी मेरा नाश्ता लेट ही होता है। नहा धो मैं ली हूँ, नहाने धोने के बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है तो मुझसे उतनी देर रुका नहीं जाता। मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता नहा लेते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। बच्चे भी आने ही वाले होंगे और बस मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि अब हो रहा है पैर में मेरे दर्द है, लेकिन काफ़ी बेहतर है पहले से। और किचन की भी मैंने सारे डब्बे वब्बे सेट कर दिए, सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं और बस अब पराठा और चाय खाऊंगी। अभी मैंने चाय पराठा मम्मी को भी भेजा क्योंकि आज मम्मी की हाउस हेल्पर नहीं आई हैं। तो फिर मैंने मम्मा को भी दो पराठे और चाय भेज दिया है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी उसमें मम्मा को मिर्च लग रही थी, तो फिर मैंने चाय पराठा खुद ले रही हूँ और चाय पराठा मम्मा को दे दिया है। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे करेंगे बहुत सारी बातें। तो बस यहाँ पर आ गया है मेरा नाश्ता, तो चलो नाश्ता कर लेते हैं, पहले पानी पी लेते हैं फिर नाश्ता। तो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है, आप लोगों ने देखा अभी मेरा नाश्ता। और मैंने ज़रा अभी अपनी ट्यूब्स वगैरह लगाई है पैर पे, तो वही देख रही हूँ कि ना लोअर पे तो नहीं आ गई वो मेरे पजामे पे। तो बस यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, लिपस्टिक लगाई हुई थी आज, थोड़ा सा आई शेडो भी लगाया था, मन करा तो इसलिए। जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है मैं मतलब अब बचूँगी नहीं, हर बार मेरे को यही लगता है कि मैं अब बचूँगी नहीं। और बस बहुत सारी चीज़ें ना, मेरा दिल बहुत छोटा सा इन मामलों में है, छोटा मतलब मैं कहूँ कि मुझे पता है मेरा दिल जो है ना वो मतलब मेरे हस्बैंड को पता है कि कैसा है कैसा नहीं। वो जो मेरी पैम्परिंग बंद कर देते हैं ना, सीधी सी बात है मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं उनको 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर मैं बीमार पड़ूँ या मुझे कुछ हो तो आपको मेरी पैम्परिंग करनी होगी। तो नहीं जब करते हैं ना तो हम ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं और फिर ना मुझे बस रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि या अल्लाह, एक शौहर ही तो था जो मुझे बहुत प्यार करता था, अब वो मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अल्लाह पाक सब खैरियत तो है, क्यों नहीं दे रहे ध्यान मुझ पे? तो मुझे ये चीज़ होती है कि जब आसिफ जी बीमार पड़ते हैं तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ, मैं सब चीज़ें छोड़ देती हूँ। इवन यूट्यूब मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार उसे भी स्किप कर देती हूँ कि नहीं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। और जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे ऐसा नहीं मिला। तो इस बीच हमारी बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई भी हुई आसिफ जी का, बहुत मूड ख़राब भी हुआ। तो फिर बस यही है, फिर कल मैं बहुत टाइम से रो रही थी, कल मैंने ये निष्कर्ष निकाला
कि ठीक है भाई आपको हमारे लिए वक्त नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमने बहुत इंतज़ार कर लिया आपका, मैंने बहुत बहुत देर तक वेट करा है, खाना नहीं खाया है, नहीं मन कर रहा है ये वो। तो एट लास्ट मैंने यही निकाला कि मैं खुश रहने का कुछ और साधन ढूंढूं। आसिफ जी जो है वो बहुत बिज़ी हो चुके हैं और अभी इतना टाइम नहीं मुझे दे पा रहे जितना वो दिया करते थे, तो बस ठीक है मैं अपने आप को खुद पैम्पर करूँगी, मैं खुद अपना ध्यान रखूँगी, तो इसलिए मैं अपने लिए सजी हूँ, अपने लिए सवरी हूँ। और मैं उन औरतों में से हूँ जिन्हें मतलब बेड रेस्ट बिल्कुल अजाब लगता है ना, अजाब था मेरे लिए ये एक महीना काटना, मतलब अब मेरा एक्सीडेंट अनायत का रोज़ा था 31 मार्च का, और उससे पहले जो जुम्मा पड़ा था ना उस पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो बस अब एक महीना ऑलमोस्ट होने वाला है। तो मैंने कहा कि अब मुझे इतना ज़्यादा रोना धोना नहीं है, उस दिन से मैं बहुत रो रही हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ईद निकली मेरी जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इस तरीके की ईद निकले, घूमे फिरे नाचे गाएँ, ईद वाले दिन खाएँ पिए ना, मैं कुछ खा पा रही थी क्योंकि दांतों में पेन ज़्यादा था। अभी मेरा चल रहा है रूट कनाल का सिटिंग, शुगर है, शुगर लेवल मैंने अपना बहुत कंट्रोल कर लिया है। अच्छा सब मुझे बोल देते डॉक्टर भी बोल देते थे, सब बोलते अच्छा शुगर है ना चीज़ें देर से ठीक होंगी, कोई ये नहीं बताता था कि शुगर कंट्रोल कर लोगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने क्या कराया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया है, सबसे पहले तो पनीर के फूल होते हैं, पनीर का डोडा जिसे बोलते हैं, वो मेरा शुगर मेंटेन करने में बहुत फ़ायदा करता है और वो मुझे फ़ायदा भी होता है, तो मैंने वो तीनों टाइम पीती हूँ। फिर मैं मेथी का पानी जो है ना सुबह सुबह मॉर्निंग में नहार मुँह मेथी का पानी और कुछ मेथी के दाने भी चबा के वो खा लेती हूँ, तो इससे करके शुगर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल आया है। फिर मेरी दवाइयां तो चली रही हैं शुगर की, तो बस अल्लाह बेहतर करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा, अल्लाह ने चाहा तो, और आप सबकी दुआ रही तो। और रही आसिफ जी की बात, जब उनको वक्त मिलेगा तब हमसे बात कर लेंगे, अभी उनको टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों के साथ हैप्पी हूँ। और इस बीच हम लोगों ने क्या किया मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अब आप देखिए कि हम लोगों ने मतलब अपने आप को पैम्पर करने के लिए मैं थोड़ा बहुत क्या कर रही थी, ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने मंगवाए थे, बच्चों का बड़ा मन था कि मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, वैसे तो बच्चों का मन मेरे साथ जाने का था कि मम्मा आपके साथ जाके पिज़्ज़ा खाएंगे, मैंने कहा बेटा वो तो टाइम पता नहीं कब आएगा, मैं आप लोगों के लिए घर पे मंगवा देती हूँ। तो फिर हमने ऑर्डर करे थे दो पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा डोमिनोज़ के नहीं है, यहाँ पर कैफ़े है और बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, तो ये क्या बच्चे मतलब इन हम लोग तो लेकर आते थे मीडियम, हस्बैंड लेकर आते थे, इनायत लेकर आई है थोड़ा सा, ये मीडियम नहीं थोड़ा बड़ा वाला पिज़्ज़ा है हाँ, और मेरे लिए आए थे मंचूरियन। तो हम लोगों ने अपनी पार्टी शार्टी करी, खूब अच्छे से खाया पिया, लंच किया, और ये क्लिपिंग जो है ना वो संडे की है यानी कि कल की, और आज है मंडे, तो आज से आपको वीडियो जो है ना मेरे अधिकतर शाम के टाइम ही मिला करेंगे, 5:30 बजे के बीच में 6 बजे तक मेरे वीडियोज़ टेलीकास्ट हो जाया करेंगे, जो भी है मैं छोटी मोटी व्लॉगिंग जो भी करूँ। तो जी यहाँ पर ये वाला क्लिपिंग भी थोड़ा सा पुराना ही है, मतलब 2 दिन पहले का है, आसिफ जी को जो मम्मा ने कपड़े दिए थे इनायत के फंक्शन पे वो टाइट हो गए थे, तो बंदे को घसीट घसीट के लाना पड़ा है इस टूटी टांग के साथ भी मुझे यहाँ पर, तो शोरूम में आके उनके कपड़े करवाए हमने मतलब एक्सचेंज, और साइज़ जो है ना थोड़ा बड़ा लिया है, क्या करूँ मतलब इतने आलसी हो चुके हैं ना वो कि बस क्या ही बताएं, बट खैर इसी का नाम ज़िंदगी है। और बस यहाँ पर वो मुझे पसंद करा रहे हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारा सा स्वीट सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।